नमो नारायण। क्या आपकी जिंदगी में बहुत हलचल है? क्या आपका मन काम में नहीं लग रहा है? या फिर हमेशा मानसिक अस्थिरता आपको घेरे रहती है? शादीशुदा जिंदगी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा और बात तलाक तक पहुंच गई है, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है? इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है आज का दाती गुरु मंत्र। 18 सितंबर सन 2017 और सोमवार का दिन। इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर आ रहा हूं दाती गुरु मंत्र में। नमो नारायण। पहला उपाय कि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, बाधाएं पीछा नहीं छोड़ रही है, कारोबार में हानि नहीं रुक रही है, चार कदम आगे तो 8 कदम पीछे, किसी भी मां के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन ही पूजा प्रारंभ करें, लगातार 40 शुक्रवार करें। शुक्रवार दिन नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध पूजित कमल घटे की माला पर व्यापार वृद्धि यंत्र। दोस्तों, व्यापारी हूं नहीं और इस तरह का काम करता नहीं, लेकिन ये दोनों ही चीज श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में मिल जाएगी। 9991069201 पर संपर्क करना, इस पर खूब काम किया है, ये आपको प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध पूजित कमल घटे की माला पर व्यापार वृद्धि यंत्र स्थापित करें और श्रद्धा पर पंचपुजार पूजन करने के उपरांत धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, कुमकुम और केसर और हल्दी का तिलक लगाए और माला पर रख दें। ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते 108 नाग केसर व्यापार वृद्धि यंत्र पर अर्पित करें, व्यापार में हानि रुकेगी, आपको सफलता मिलेगी। और यदि नाग केसर के साथ 108 गुलाब के पुष्प भी ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, लगातार आप कुछ दिन करते हैं तो संपूर्ण समस्याओं का आपको निदान मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के पंचांग की। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी विक्रम संवत 2074 सोमवार का प्रातकालीन नक्षत्र मघा नक्षत्र चंद्रमा सिंह राशि में है। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 18 सितंबर आपका जन्मदिन है या फिर आपकी शादी की सालगिरह है, दोनों को मेरी ओर से आज हार्दिक शुभकामनाएं। 18 सितंबर आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह, आज आप एक सलाह देता हूं और ये कर लेंगे तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। हर रोज श्रद्धानुसार गुड़ अपने ऊपर से 7 बार उसे अगर गाय को खिला देना, आपका कल्याण होगा। और 18 सितंबर आपका जन्मदिन है और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उपाय आपके लिए अद्भुत रहेगा। कुछ बातें सुन लीजिए पहले तो। सर्वप्रथम, भाई और बहनों और ससुराल पक्ष से संबंध थोड़े से अच्छे रखना। तर्जनी में बिना जोड़ का चांदी का छल्ला और अनामिका में बिना जोड़ का तांबे का छल्ला धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहे, भोजन के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन किया करो, ये अद्भुत रहेगा आपके लिए। ये करके देखना, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। एकदम सितारों की ओर। अरे मैं इसके लिए आपको ले चलता हूं घर नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके घर नक्षत्र आपके लिए सोमवार का राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि, पंचम भाव का चंद्रमा, और पंचम भाव का चंद्रमा यह संकेत दे रहा है कि दिन शुभ शकुन और शांति से बीतेगा, धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, तीर्थ यात्राओं का योग नजर आ रहा है, संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़े से व्यस्त जरूर रहेंगे लेकिन सफलता मिलेगी,
काम बनेंगे। प्रतिष्ठित लोगों के सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, समाज में आपकी पैठ बनेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन लेकिन कार्य व्यवस्था के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट, लॉटरी आदि में धन नहीं लगाना, इससे नुकसान हो सकता है। नमन क्या करें, बौद्धिक क्षेत्र में प्रयासरत रहे, सफलता मिलेगी। क्या ना करें, व्यर्थ के तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दे। नमोनारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। चौथे चंद्रमा है, माता के सुख में कमी आएगी, घर परिवार में बिना वजह का कलह नजर आ रहा है, पारिवारिक सदस्यों को आपस में मेल जोल रखना बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी आएगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें, सोच विचार कर कार्य करें, बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा नहीं करें, नशा करके वाहन नहीं चलाए, चोट की संभावना है। कुटुंब परिवार की तरफ चिंताजनक समाचार है। सुबह से लेकर शाम तक कहेंगे दाती महाराज कहाँ डरा दी, डरा नहीं रहा हूँ, ये संकेत है, छोटा सा उपाय। ओम द्राम द्रीम द्राम सा शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। सदानुसार धुली हुई रहर की दाल किसी निर्धन गरीब विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, जीवन साथी की बात का महत्व दें थोड़ा सा। क्या ना करें, आज किसी भी वस्तु में पूंजी निवेश नहीं करें। नमोनारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत, जनसंपर्क का लाभ मिलेगा, उच्च वर्गीय लोगों से मित्रता होगी और सामाजिक कार्य पूरे होंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में नवीन अनुबंध लाभ प्रसिद्ध होंगे और धन लाभ होगा। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद बना रहेगा। नमोनारायण। क्या करें, थोड़ा सा मित्रों को सपोर्ट करें, मित्रों को सहयोग करें, ईश्वर आपका सहयोग करेगा। क्या ना करें, व्यर्थ के धन खर्च ना करें। नमोनारायण। मेष वृषभ और मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, लेकिन उससे पहले सोमवार का राहुकाल और सोमवार की याद। सोमवार का राहु काल प्रातः 7:30 लेकर 9 तक, और राहु काल दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं यात्रा की। पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मेरा कहना है समय और साधन बदल गए हैं, चारों दिशाओं में यात्रा करिए, लेकिन महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करिए, गाय के घी का दीपक जलाए, जल में मिश्री डालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिए, और कुमकुम और केसर का तिल लगा लगा कर यात्रा पर जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमोनारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, गोचर थोड़ा सा मध्यम है, आज शालीनता का परिचय देना होगा, वाणी में शालीनता, कार्यों में शालीनता, शालीनता का परिचय देना पड़ेगा, भाषा अच्छी रखनी पड़ेगी, और ये भाव आपने रखे तो दैनिक खर्चे स्वतः ही पूरे हो जाएंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, व्यवसाय और नौकरी में संयम रखा तो सफलता आपका दामन चूमेगी, शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिलेंगे, पारिवारिक और सामाजिक कार्यों को संपन्न करना आवश्यक है और ये आप कर पाएंगे आराम से, बस संयम से काम करें। क्या करें, थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको लाभ। क्या ना करें, बिना विचारे बिना सलाह लिए कोई कार्य ना करें। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, समय शुभ है, अनुकूल है, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिस तरह की विचार आपके हैं इस सकारात्मक विचारों के परिवर्तन से कार्य सफल होंगे, दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी, देश विदेश से शुभ समाचार और धन लाभ होगा। क्या करें, स्वनिर्णय से सफलता आज जरूर मिलेगी। क्या ना करें, चुनौतीपूर्ण स्थिति से न घबराए मेरे मित्र। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि चलो, गोचर की बात करो, गोचर ये कह रहा है कि कामकाज में बाधा है, पारिवारिक समस्या और उलझने बढ़ेगी और अपनों का सहयोग नहीं होगा, वाहन आदि प्रयोग में सावधानी अपेक्षित और खर्चों पर नियंत्रण रखना आज कन्या राशि वालों बहुत जरूरी है। सुबह से शाम तक गोचर थोड़ा सा सावधान, छोटा सा उपाय, माई के श्री चरणों में हरी चूर्णी भेंट करिए, गाय के घी का दीपक जलाइए, माई आपका भला करेगी।
क्या करें, वे लोग जो आपसे छोटे हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, उनके साथ थोड़ी सी सहजता से कार्य करें, नरमी से काम करें, क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। नमो नारायण। करक संग कन्या की बात करी, तुला वर्षिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सोचा। वास्तु सलाह, शयन कक्ष में पलंग दरवाजे के सामने में कभी नहीं होना चाहिए और शयन कक्ष में कभी दर्पण नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नमो नारायण। और बात करते हैं सुझाव। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मन काम में नहीं लग रहा है, मानसिक अस्थिरता बनी रहती है, काम करने की रुचि ही नहीं है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रखता है, तो आज के दिन नित्यक्रम न्योशन आने उपरांत 11 गोमती चक्र अपने पीछे 11 बार उसार कर, लेकिन उसारना विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज ही एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए, करके देखिएगा, अचूक उपाय है, लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि, चलो ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, कार्य व्यवसाय में उन्नति और धन लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम, मन में प्रसन्नता बने रही, पारिवारिक सहयोग और सुख बढ़ेगा, नए और पुराने मित्रों से मिलने का शुभ अवसर मिलेगा और दिन अच्छा बीतेगा। क्या कर, जरूरतमंदों की मदद करिए, ईश्वर आपकी भी मदद करेगा। क्या ना करें, झूठ और धोखे से कोई कार्य ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, समय उत्तम है, सितारों का शुभ संकेत है, कार्य व्यवसाय में सहयोग मिलेगा, कुटुंब और परिवार में शुभ कार्य संपन्न होगा, साहस और पराक्रम तेज होगा, रुक हुए कार्य संपन्न होगा, धन लाभ होगा, सारा दिन खुशियों से भरा है। क्या करें, पुराने वाद विवाद को आज समाप्त कर दीजिए। क्या ना करें, अनजान लोगों की बातों में ना आए। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनराशि, गोचर ये कह रहा है कि थोड़ा सा धैर्य से काम करें, थोड़ा सा धीरज से काम करिए, स्वजनों के सहयोग से संपूर्ण परेशान से मुक्त, चाहे परेशानी धन संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, नौकरी संबंधी हो, कारोबार संबंधी हो या संतान संबंधी हो, मन में चैन और संतोष महसूस करेंगे, शुभ कार्य की योजना बनेगी, बस कार्य में जल्दबाजी करना ठीक नहीं, बाकी सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें, बेवजह यदि बहुत ज़्यादा जरूरी तो आज लंबी यात्रा ना करें। न तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करें, उससे पहले उपाय और नुस्खों की चर्चा कर लेता हूं। यदि प्रयासों के बावजूद भी बाधाएं समाप्त नहीं हो रही, सफलताएं नहीं मिल रही, काम नहीं चल रहा है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे, नौकरी में परेशानी है, धन को लेकर आप परेशान हैं, तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत स्थिर लगन में, यानी वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन में, ये स्थिर लगन है, वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन, किसी निर्धन स्वागन स्त्री को श्रद्धानुसार चने की दाल, गाय का घी और स्वाग की वस्तु भेंट करी, कुछ दिन करके देखेगा, ईश्वर सारी बाधाएं आपकी दूर करेंगे। नमन। और बात करते हैं नुस्खों की। घुटनों में दर्द की शिकायत है तो सरसों के तेल में सौंठ मिलाकर गर्म कर ले, हल्का ठंडा करने के बाद घुटनों पर मालिश करके देखिएगा, राहत मिल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल है, थोड़ा सा, समय आपके साथ नहीं है, कार्य व्यवस्था में असफलता नजर आ रही है, खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, व्यर्थ का दोषारोपण का भय है और मानसिक और शारीरिक तनाव भी बढ़ेगा और कोई धोखा भी है, सुबह से लेकर शाम तक सावधानी अपेक्षित है। छोटा सा उपाय, 1.25 किलो सरसों का तेल आज किसी निर्धन गरीब महिला को दान में देना, कष्ट कम आएंगे। क्या करें, स्वजनों का सहयोग ले। क्या ना करें, गुप्त रूप से किसी कार्य का सौदा ना करें। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, समय अनुकूल, हर क्षेत्र में आज सफलता आपको प्राप्त होगी, रुकावटें दूर होगी, परिश्रम का फल मिलेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार के साथ मनोरंजन क्षण मिलेंगे, व्यापार में धन लाभ होगा,
वृद्धजनों का परामर्श सहयोग और लाभकारी सिद्ध होगा। क्या करें? अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखें, क्या ना करें? जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करें, न मनारायण। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, समय शुभ है, इच्छित कार्य बनेंगे, पारिवारिक जीवन में सावधानी बनी रहेगी, जिम्मेदारी का निर्वाह करने में आप सफल होंगे और नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। क्या करें? दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें, क्या ना करें? मनोरंजन और सैर सपाटे में समय नष्ट न करें, नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं। सेकंड ओपिनियन आपके पास है और रहेगा, नमो नारायण। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद महादेव को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 सितंबर सन 2017 शारदीय नवरात्र है, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई की कृपा बरसती रहे, मेरा राज शकुन और शांति रहे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 सितंबर सन 2017 से लेकर 29 सितंबर सन 2017 दिन तक ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत सहयोगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का शिविर रखा गया है। आप सभी लोग इसमें पधारे और अपने जीवन को संतुलित और सुखी बनाए, नमो नारायण। नमो नारायण। शुरू में मैंने कहा ना कि शादीशुदा जिंदगी में अनावश्यक परेशानी है, वैवाहिक जीवन में बड़ा कलह रहता है, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही और शादी हो गई है तो बात तलाक तक पहुंच गई है, और संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो महादेव को मनाइए ना। और आज के दिन तो सोमवार का दिन है, भगवान महादेव का दिन है। नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत भगवान शिव का सर्वप्रथम जल गंगा जल गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, तत्पश्चात जल से स्नान करें, पुनः हृदय के भावों से पंचपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, ओम शम सर्वाय नमः इस मंत्र का जाप करते चमेली के सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करिए, घर में सुख समृद्धि और वैवाहिक संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, कुछ सोमवार करके देख लेना, नमो नारायण। और बात करते हैं आज के जीवन मंत्र की। सुखी जीवन के लिए परिवार का संतुलित होना बहुत जरूरी है, और व्यवहार की कुशलता ही परिवार का माहौल को सुखद बनाने हेतु एक प्रमुख कारण है। आपका व्यवहार कुशल होना बहुत जरूरी है, और व्यवहारिक कुशलता के अभाव में हमारा जीवन कलहपूर्ण बन जाता है। अधिकांश परिवार की अशांति के पीछे एक ही बात सामने आती है कि वो एक दूसरे के प्रति व्यवहार कुशल नहीं, सम्मान की कमी है। हर किसी से सहमत हो ये जरूर नहीं, मगर हर बार अपनी बात को सम्मानपूर्ण ढंग से रखना ये सुखी पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, न मना रहे। समय छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा, न मना रहे। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 सितंबर सन 2017 शारदीय नवरात्र है, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई की कृपा बरसती रहे, मेरा राज शकुन और शांति रहे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 सितंबर सन 2017 से लेकर 29 सितंबर सन 2017 दिन तक ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत सहयोगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का शिविर रखा गया है। आप सभी लोग इसमें पधारे और अपने जीवन को संतुलित और सुखी बनाए, नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और ये समय है प्रभु के दर्शनों का, और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम, नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं
तम नमामि शनेश्चरम। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किए, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, मंगलवार का राशिफल, हनुमान जी को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र सुझाव, देसी नुस्खे और वास्तु सलाह और उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुना और अपनी भूल की माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।